हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा हेयर पैक शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपके बाल और स्कैल्प दोनों ही हेल्दी बनेंगे। तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है या ड्राइनेस हो रही है आपके बाल डैमेज हो चुके हैं कलर के बाद, तब इस पैक को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इवन जो बाल गिर रहे हैं या फिर ग्रे हो रहे हैं वो भी रुक जाएगा और अच्छा हेल्दी बाल बनेगा और इंस्टेंट रिजल्ट भी देखने को मिलेगा आपको इसको लगाने के बाद। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। इसके लिए मैं चार चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, चारों बहुत अच्छा काम करती हैं बालों के लिए। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं करा, और शेयर भी करना वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आंवला पाउडर, और ये इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक पाउडर है। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, और भी पाउडर्स का रिव्यू शेयर करा था मैंने। आज की वीडियो में दिखाऊंगी कि ये काम कैसा करता है। और चारकोल जेल लेना है, अगर चारकोल जेल नहीं है तो आप सीधा एलोवेरा ले सकते हो। कोकोनट क्रीम ऑयल लेना है, अगर ये वाला सेम नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऑयल ले सकते हैं। दही बहुत ज़रूरी है, दही लिया है मैंने, और ये हैंड करी हुई है, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। अगर इस चारकोल का आपको रिव्यू देखना है तो आप इस चारकोल जेल का रिव्यू भी देख सकते हो मेरे चैनल पर, मैंने बहुत पहले इसे शेयर करा था। तो ये वाला जेल मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। और अगर आप चाहते हो कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिले, लाइक आपने अपने बाल वॉश कर लिए हैं उसके बाद एक दिन बीत चुका है, तो आप इसको डायरेक्ट अपने बाल पे लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा स्मूथ सॉफ्ट बना देता है ये जेल, बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें दही ऐड करा है, दही में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जिससे बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हाइड्रेट रखता है आपके स्कैल्प को, फ्रीजी जो हेयर होते हैं उसे ठीक करता है, डैंड्रफ को हटाता है और शाइनिंग आपके बालों को प्रोवाइड करता है और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा यहाँ यूज़ कर रही हूँ कोकोनट क्रीम ऑयल, इसका फुल डिटेल रिव्यू प्लस लाइव रिजल्ट है मेरे वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर आप हेयर ऑयलिंग नहीं करना चाहते हो तो आप ये हेयर क्रीम लगा सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। आंवला इसमें ऐड करा है मैंने 2 चम्मच, आंवला के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बालों के लिए। आंवला पाउडर अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, लाइक 2 से 3 दिन छोड़ के रोज़ यूज़ करेंगे, तो जो आपके ग्रे बाल हो रहे हैं ना वो रुक जाएंगे और वो हमेशा ब्लैक नज़र आएंगे, क्योंकि ग्रे जो बाल होते हैं वो अंदर से बॉडी से आते हैं, तो वो तो आप कुछ खाएं पिएंगे मेडिसिन वगैरह लेंगे तब वो थोड़ा कंट्रोल होगा, पर आप हेयर पैक लगा लगा के भी उसको ब्लैक कर सकते हो नेचुरल तरीके से। तो आप इसे हर 3rd दिन 4th दिन आंवला पाउडर सिर्फ लगा सकते हो पानी में डाल के, और आपके जो हेयर लॉस हो रहे हैं वो भी ठीक होगा, डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प भी ठीक होंगे, और भी इन्फेक्शन जो स्कैल्प से रिलेटेड होता है वो भी ठीक होगा। बेसिकली आंवला का काम स्कैल्प पे होता है, रूट पर होता है, तो इसको ज़रूर लगाएं, भले आप लेंथ में ना लगाएं पर आप स्कैल्प में ज़रूर सिर्फ आंवला लगाएं। और ये वाला हेयर पैक आप अपने पूरे बालों में लगा सकते हैं, 30 मिनट कम से कम रखें इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक रख सकते हो, ड्राई नहीं होंगे बाल, क्योंकि इसमें ऑयल क्रीम है और दही है तो वो ड्राई नहीं करेगा और अच्छा बन जाएगा आपका बाल। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आप अपने हेयर पैक कोई सा भी बना के ज़रूर लगाएं, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको ज़रूर शेयर करना। आप वीडियो लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।